आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपकी टीम ने इतनी मेहनत और खूबसूरती के साथ इस प्रोग्राम का इनाकाद किया है। ख़ास तौर पे मैं अलीम के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, उनके साथ लाहौर से रियाज़ का नाम लेना चाहता हूँ, और इनके साथ जो बाकी सारी टीम थी, हर लम्हा हर वक्त रात को लेट नाइट तक आपकी सारी टीम जो है वो यहाँ पे मौजूद थी। एंड दैट इज़ द ओनली रीज़न कि आज आप ये जो खूबसूरत महफिल देख रहे हैं, ये खूबसूरत एक्सपो जो देख रहे हैं, जो मैं समझता हूँ कि किसी भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से कम नहीं है। बिकॉज दो ही चीज़ें होती हैं, प्रॉपर चीज़ें अपनी जगह पे हों और उससे इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स सुबह 10:30 बजे जब अभी शायद पूरे स्टॉल्स ठीक से लगे भी नहीं थे तो यहाँ पे लोगों ने आना शुरू कर दिया था। सो वंस अगेन मैं आपको बहुत मुबारक पेश करता हूँ, और एक रिक्वेस्ट ज़रूर आपसे करूँगा जो मेरे दिल में बात थी और मैंने अलीम से और आपकी टीम से भी डिस्कस की, इस सिलसिले को रुकने मत दीजिएगा। अभी जब मैं और एंथनी साहब एंटर हो रहे थे तो एंथनी साहब मेरे से डिस्कस कर रहे थे एंड और मुझे बड़े हैरान होकर पूछ रहे थे कि क्या ये सारे क्रिश्चियन स्टाफ स्टॉल्स हैं। मैंने कहा जी हाँ बिल्कुल, ये सारे क्रिश्चियन स्टॉल्स हैं और इतने हमारे लोग बिजनेस में इन्वॉल्व हैं जिनको आज तक ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला कि जहाँ पे हम मुत्तफिका तौर पे अपनी पहचान करा सकें। आई रिक्वेस्ट यू कि इसको हर मेजर सिटी में कीजिए, और जो सबसे अहम बात है, मुमकिन हो इस पर कोशिश करें कि अगर हम एक क्रिश्चियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स डेवलप कर सकें। बिकॉज चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है, यू नो, ऑल ओवर द वर्ल्ड हर मुल्क की बिजनेसमैन को अपॉर्चुनिटीज डेवलप करता है। मैं समझता हूँ कि हमारे लिए वो बहुत फख्र की बात होगी अगर हमारा क्रिश्चियन चैम्बर इस्टेब्लिश हो, और फिर और लेकिन उन्हीं SOPs की जो गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है, और जो गवर्नमेंट का चैम्बर ऑफ कॉमर्स है हर शहर में वो मजबूर हो क्रिश्चियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स को अपने साथ जोड़ने के लिए। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, वंस अगेन आप सबको यहाँ पर बहुत खुश आमदेद और आपको बहुत मुबारकबाद। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। खुदा वाहिद बाप और बेटे और रूह कुदुस के नाम में। भाई साहब मैं शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने इस तरह से शायद मकदम हम सब का किया है, और यूनाइटेड क्रिश्चियन हस्पताल का भी, और नहायत ही खुशी की बात है इस जगह को देखकर और इसकी खुशहाली को देखकर। और ताज्जुब की भी बात है, अभी जिक्र जो चेयरमैन साहब ने किया, वाकई ये ताज्जुब की बात है कि इतना मसीही कारोबार जो है इस मुल्क में मौजूद है, इससे भी ज़्यादा होगा। ये तो सिर्फ उसकी एक तरह से अक्कासी कर रहा है, और मुबारकबाद देने का वाकई PMS के लिए ये वजह है कि उन्होंने इसका इंतज़ाम किया है। अभी इफ्तिदा के वक्त बेटी ने इंजील मुकद्दस में से मती रसूल की मार्फत इंजील और उसका 25वां बाब, और उसमें जो खुदावंद यीशु मसीह की तमसील है, उन तोड़ों की जो कि एक मालिक ने अपने नौकरों को दिए, उसकी तलावत की गई। और उसमें चंद एक बातें हैं जो कि यहाँ पे कारोबार में मशगूल हैं उनके लिए ख़ास तौर पर। पहली बात तो ये है कि कारोबार रवा है, ये एक जायज़ कार्रवाई है। खुदावंद यीशु मसीह की तालीम में ख़ुद ये बताया गया है कि कारोबार करना, नफ़ा हासिल करना, ये कोई नाजायज़ चीज़ नहीं है, और यहाँ तक कि आमदनी इस कारोबार से और अपने सरमाए से हासिल करना जायज़ है, हलाल। मगर इसके साथ साथ इंजील में अशरफियों का जिक्र है। बहरहाल आप उनको अशरफी कहें या तोड़े कहें, बात यकसा है। ये अक्कासी करते हैं हमें खुदावन की तरफ से हासिल। अब सबसे पहले तो यहाँ वो फितरती नेमतें हैं, वो नेमतें जो हमें जहनी और जिस्मानी तख्लीक की वजह से हमें मिलती हैं, क्योंकि हम खुदा की सूरत और शबीह पे बने हुए हैं, और इसलिए ये नेमतें तमाम बनी नौ इंसान को हासिल हैं, और इसलिए दी गई हैं कि वो हम इन नेमतों का जहनी हो, जिस्मानी हो, जैसी भी हो, उनका इस्तेमाल करें और उनका सही इस्तेमाल करें। तो यहाँ गुजारिश ये है कि महज
मसीही जो लोग हैं उनका कारोबार में शरीक होना काफ़ी नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है कि वो कारोबार में शरीक हैं, उसमें हिस्सा ले रहे हैं, बल्कि मसीही ईमान और इखलाक के साथ इस कारोबार में वो शरीक हैं जी। ये बड़ा ज़रूरी है कि हम गवाही दें। यहाँ ऐसे ऐसे बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में इस बात को जाहिर किया है कि मसीही इखलाक जो है उसको कारोबार में किस तरह से जाहिर किया जा सकता है। आप उनसे ज़रूर गुफ्तगू करें और उनकी हिकमत जो है वो हासिल करें। मगर फिर नेमतें रूहानी भी हैं, वो नेमतें जो कि खुदावन अपनी कलीसिया को देता है, हर ईमानदार को देता है, और जो कारोबार में हैं उनके लिए ये लाजिम है कि वो कलीसिया की तायीद करें, कलीसिया की मदद करें कि ये नेमतें जो हैं ये इस्तेमाल होती रहें। अब दो नौकर तो ऐसे थे कि उन्होंने अपनी फितरती कुदरती नेमतें, जहनी जिस्मानी सरमाया की नेमतें, रूहानी नेमतें इस्तेमाल की, उनसे फ़ायदा हासिल किया, उनको अपने आप फ़ायदा हुआ, मालिक को फ़ायदा हुआ, ज़ाहिर है दूसरों को भी फ़ायदा हुआ होगा। मगर यहाँ एक ख़बरदारी भी है कि तीसरा जो नौकर था वो निकम्मा और सुस्त निकला, जिसने जो खुदा ने उसे नेमतें दी थी उनको इस्तेमाल नहीं किया। तो आपकी जो गवाही है आज और कल वो ये है कि ये नेमतें इस मुल्क में इस वक्त इस्तेमाल भरपूर तौर से की जा सकती हैं। और नौजवानों के लिए ये हौसला अफजाई है कि वो जो नेमतें खुदा ने दी हैं उनको इस्तेमाल करें, और सुस्ती अगर कोई है उसको दूर करें, और गामजन उस राह पर हों जिस राह पर नफ़ा फ़ायदा और ख़िदमत है, ना सिर्फ ज़हनी जिस्मानी और दौलत के लिहाज से बल्कि रूहानी और इखलाकी लिहाज से भी। आप सबको खुदावंद अपने कारोबार में अपनी बड़ी बरकत दे, आमीन। अब मैं दावत देना चाहता हूँ बड़ी अकीदत के साथ पाकिस्तान मिशन सोसाइटी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के चेयरमैन साहब डॉक्टर सैमसन साहब से कि वो सामने तशरीफ लाएँ और अपने ख्याल का इजहार फरमाएँ। तालियां बजाकर इस्तकबाल कीजिएगा। सबसे पहले तो मैं मिशन साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो यहाँ पे आए और उन्होंने हमारी नहीं बल्कि इन सारे लोगों की हौसला अफजाई की। मैं थैंक्स करता हूँ चेयरमैन जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यूएसएच के हैं, यूएसएच के स्टाफ का और बाकी सारे एंटरप्रेन्योर्स का जो भी यहाँ पर आए, इन सब का थैंक्स करता हूँ। और मैं ख़ास थैंक करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि हम सब ताली बजा के थैंक्स करें अलीम के लिए और उनकी पूरी टीम के लिए जिन्होंने ये इवेंट अरेंज किया पूरा ये। थैंक यू वेरी मच। पीएमएस की तरफ से मैं पूरे स्टाफ का सबका आपका थैंक्स करना चाहता हूं। और मैं ये बताना चाहता हूं कि पीएमएस है क्या। पीएमएस एक ऑर्गेनाइजेशन है जो अदील साहब ने कुछ अरसे पहले सोची थी जब वो अपनी ग्रेजुएशन करके आए। मैं उधर एबटाबाद में रहता था और मुझे आके उन्होंने कहा कि मैं पादरी तो बन गया हूँ, मैं ऐसा पादरी नहीं बनना चाहता हूँ जो सिर्फ चर्च में रहे, मैं चर्च से बाहर निकल के बनना चाहता हूँ। तो मैं बड़ा उस वक्त हैरान हुआ कि मैंने कहा ये यंग जनरेशन है, जज्बात है, अभी तो ये जोश में है, करेगा थोड़ी देर में भूल जाएगा और वही काम करेगा जो बाकी हम सारे लोग करते आए आज तक। पर ऐसा नहीं हुआ। अभी तक इसने वो काम किए हैं जो हम में से बहुत लोगों ने करने चाहे थे पर हम नहीं कर सके। हम इस एज में आ गए जो हमने कई दफ़ा सोचा भी था कि हम अपनी कम्युनिटी के लिए करें पर हम नहीं कर सके। तो पीएमएस ने वो काम किए हैं जो हम ये करना चाहते हैं। और बेसिक एम हमारा आज जमा करने का ये है कि हम सारे लोगों को हमारे मुल्क में हमारी कम्युनिटी में बहुत टैलेंट है और उनको हम आइडेंटिफाई करें और उनको एक प्लेटफॉर्म दें जहाँ पे वो अपनी टैलेंट्स को, अपनी जो उनकी क्वालिटीज़ हैं उनको आगे लेके निकले और आगे बढ़ा के देखे। और आज के इवेंट ने मुझे एक यकीन दिलाया है कि हम एक राइट पाथ पे हैं और हम ज़रूर आगे करके दिखाएंगे। एक चीज़ हमने साथ साथ जब हमने ये काम शुरू किया था हमने ये सोचा था कि जब हम ये काम करेंगे हम लोगों को ये भी बताएंगे कि हमारे चर्चेस वो हमारी इमानत है।
हम अपनी कमाई में से अपने चर्च को अपने इंस्टीट्यूशन को सपोर्ट नहीं करेंगे तो कभी भी नहीं ऐसा हो सकता। वो कौमें कभी भी तरक्की नहीं करती जो अपनी इबादत गायों को अपने घरों को अपने इंस्टीट्यूशन को भूल जाती। तो हमारी रिक्वेस्ट है कि जितने भी ये जो बिजनेस शुरू कर रहे हैं या कर रहे हैं जैसे, प्लीज़ रिमेंबर दिस थिंग कि जो खुदा का हिस्सा है वो ज़रूर उसके पास जाना चाहिए और तभी हम तरक्की कर सकेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग मी टू कम ओवर हियर एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल द सपोर्ट एंड ऑल द थिंग्स दैट यू हैव गिवन अस। बिशप साहब आपका भी बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू। आखिर में दुआ में हमारी रहनुमाई फरमाई कैनन मोस्ट रिस्पेक्टेड मेरे उस्ताद मोहतरम भी हैं, उनके साथ एक और मेरे उस्ताद मोहतरम डॉक्टर मकसूद कामिल साहब भी तशरीफ फरमाए हैं। लेकिन मैं इस वक्त दावत देना चाहता हूं, जैसा मुझे हुक्म दिया गया है कि कैनन रेवरेंड इमैनुअल बहादुर साहब से वो सामने तशरीफ लाएँ और दुआ में हमारी रहनुमाई फरमाएँ। आइए अपने खुदावंद खुदा के हुजूर, जो हमारा खालिक है मालिक है परवरदिगार है, जो हमें अकेला नहीं छोड़ता, हमारे आगे आगे चलता है और ना हमवार जगहों को हमारे लिए हमवार जगह बनाता है, उसके हुजूर झुके। और आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम के लिए हम खुदावंद खुदा का शुक्र करें। ए खुदावंद बुजुर्ग खुदा, तू जो सचमुच सजदों के लायक है, हम तेरे हुजूर मुल्तवस्स हैं कि तू अपने लोगों को दुनिया भर में बिलखसूस वतन अजीज में अपने परों में संभाल के रख। हाँ वो किसी भी शोबे में है, तिब्बी शोबा या तालीमी शोबा या कोई और शोबा है या बिजनेस के शोबे में है, एक एक को तो उसके मुताबिक डील करता है। तेरा शुक्रिया और दरख्वास्त करते हैं कि क्रिश्चियन कम्युनिटी को बिलखसूस आए खुदावंद जो ऊपर तेरी कुदरत और शफकत से आ रही है अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता रहे। बाप अब्राहम को जो बरकत उन्हें दी, उसके दिल को तू अपनी मर्जी में बदलता गया और उसके बिजनेस को भी तूने कारोबार को भी बरकत दी। यही बरकत हम बाप अब्राहम की बरकत क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए और बिलखसूस बिजनेसमैन कम्युनिटी के लिए मांगते हैं प्यारे यीशु के प्यारे नाम में, आमीन। सुमामीन। अपनी आंखें बंद रखेंगे और खुदावंद की सिखाई ही दुआ में शामिल होंगे। ऐ हमारे बाप, आप जो आसमान पर हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी, हमारे रोज की रोटी आज बख्श दे और जिस तरह हम अपने कसूर वालों को माफ़ करते हैं हमें माफ़ फरमा, हमें आजमाइश में ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा आपका है, आमीन। दरख्वास्त करना चाहता हूँ एक बार फिर बिशप साहब से कि वो कलमा के बरकत से लुत्फ़ उठाएं। खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है तुम्हारे दिलों और ख्यालों को खुदा और उसके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे और काज़ मतलब खुदा बाप और बेटे और रूह कुदूस की बरकत तुम पर हो और हमेशा तक तुम्हारे साथ होती रहे, आमीन।